हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ट्रॉली बैग को घर पे बहुत ही आसानी से सिर्फ 5 मिनट में साफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना बैग ले लिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये गंदा हो गया है, तो इसको मैं आज साफ करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही आसानी से अपने घर पे ही साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जिप को खोल लूंगी और जितने भी पॉकेट्स हैं बैग में मैं उन सभी को अच्छे से चेक कर लूंगी ताकि कुछ भी इसमें सामान रह ना जाए। अंदर के भी सारे पॉकेट्स को मैं चेक कर लूंगी और बाहर भी जो पॉकेट हैं उन्हें मैं चेक कर लूंगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने बैग को अच्छे से खाली कर लिया है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो अब हम इसे वॉश करेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दें कि अगर आपके बैग में कहीं भी लेदर या रैक्सिन हो या फिर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसको आप वॉश नहीं कर सकते हैं तो आप बैग को वॉश मत कीजिए। ये जो मटेरियल है इसको मैं इजीली वॉश कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसे पानी से वॉश करती हूँ। आप एक चीज़ कर सकते हैं मेक श्योर करने के लिए कि आपके बैग के साथ जो भी कार्ड मिला है उस पर आप वॉशिंग इंस्ट्रक्शन या केयर इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसको आप चेक कर लें, और अगर उसमें वॉशेबल लिखा हुआ है तो ही आप वॉश करें बैग को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं पानी से बैग को गीला कर रही हूँ। अच्छे से पूरे बैग को पानी से गीला कर लेंगे। जब चारों तरफ से और नीचे से भी बैग अच्छे से गीला हो जाए पानी से, उसके बाद हम कोई भी माइल्ड शैम्पू ले लेंगे। अगर आपके पास बेबी शैम्पू है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक माइल्ड शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा शैम्पू लेना है आपको और इस तरीके का कोई भी आप लूफा ले लीजिए जो सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो, और लूफा से बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से हम रब करेंगे। इस तरीके से हम पूरे बैग को रब करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ब्रश या लूफा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपके बैग के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम हार्ड चीज़ यूज़ करेंगे तो इससे बैग का जो सरफेस है वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बैग के जिप को खोल लिया है और अंदर वाले एरिया को भी आप चाहें तो साफ़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बैग ये वॉशेबल है, अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है, तो इसलिए मैं इसे वॉश कर रही हूँ। इस तरीके से हम अंदर भी पानी छिड़क लेंगे और हल्के हाथों से लूफा को चला लेंगे। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और डस्ट भी जमा हो जाते हैं, तो इसलिए कॉर्नर को स्पेशली हमें साफ़ करना चाहिए। वैसे तो अंदर का पार्ट बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि वो पैक होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार साफ़ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस तरीके से बैग पूरा ऊपर से क्लीन हो गया है। अब जो मेन एरिया है वो ये नीचे का एरिया है। ये एरिया सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि ये बार बार ज़मीन पे या फिर किसी भी चीज़ पे घिसता है, तो इसलिए इस एरिया को हम अच्छे से क्लीन करेंगे। बैग की सफाई पूरी हो चुकी है। अगर आपके बैग में कहीं भी दाग या धब्बे लगे हुए हैं जो निकल नहीं रहे हैं तो आप एक चीज़ करें, आप थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सोडा ले लें, दोनों को मिक्स करके मिक्सचर बना लें उसका, और उसे उस एरिया पे जहाँ पे भी दाग लगा है उस एरिया पे लगा के आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद पानी से पोंछ दें। इस तरीके से वो दाग निकल जाएगा आपके बैग से। और अगर बैग में किसी भी तरह का स्मेल आ रहा है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा सोडा ले लें और उसे किसी भी प्लेट में या फिर किसी भी चीज़ में रख के आप बैग के अंदर डाल के जिप को लगा दें। इस तरीके से आप एक दिन छोड़ दें उसे बैग के अंदर और जो सोडा है वो स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपके पास सोडा नहीं अवेलेबल है तो आप चारकोल को भी इस तरीके से किसी प्लेट में लेके बैग के अंदर रख दें, इससे भी स्मेल दूर हो जाता है। और इस तरीके से हमारा बैग बिल्कुल क्लीन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये जो आपको बीच में स्टेन सा लग रहा है ये स्टेन नहीं है, एक्चुअली ये परछाई है लाइट की, कैमरे की। तो बैग अच्छे से साफ़ हो चुका है अभी, और इस तरीके से मैं इसे अब धूप में डाल दूंगी सूखने के लिए। लगभग 4 से 5 घंटे आप इसे धूप में रखें, फिर अपने घर में फ़ैन के नीचे भी आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर आप धूप में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बैग में किसी भी तरह का स्मेल नहीं रहेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल अकाउंट्स पे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।